अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहारवीज। तो कैसे हो जी, क्या हाल चाल? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A52 की। जी हाँ, और वैसे तो ओप्पो के मोबाइल फोन अभी तक पाकिस्तान में कोई भी नहीं आ रहा है। A31 और उसके अलावा F15 जो कि तकरीबन बहुत पहले आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। पता नहीं ये सारी सिचुएशन कब ख़त्म होगी, कब वो मोबाइल आए। और उसके अलावा ओप्पो रेनो S2 भी आ रहा है, A92 A92S काफ़ी मोबाइल्स आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A52 की। जी हाँ, और ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है और 30,000 की प्राइस में तकरीबन आने वाला है, यानी कि 30,000 के बजट में और एक मिड रेंज सीरीज़ में आएगा मोबाइल फ़ोन। काफ़ी बेहतरीन है, कमाल का है। आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में, क्या 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 चीज़ें इसमें। तो यार वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। बस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अनदर अपडेट्स। और वीडियो कर दो लाइक। आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 70 लाइक, यानी कि 70 लाइक्स तो यार कंप्लीट कर देना। चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले 6.4 इंचेस का एक IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले होगा, जो कि 1080p/2340 रेजोल्यूशन के साथ आएगा, यानी कि एक FHD+ डिस्प्ले होने वाला है। और उसके अलावा 403 PPI आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, एक 5 वोल्ट डिस्प्ले होगा और यहां पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं कंफर्म की गई। जी हाँ, बैक की बात करें, बैक पॉलीकार्बोनेट की होगी लेकिन बैक का डिज़ाइन कसम से प्रीमियम है, कमाल का डिज़ाइन है। चेक करो ज़रा, है कि नहीं डिज़ाइन? फिर दो कलर्स आएंगे, एक ब्लू है और एक मेरा ख्याल है ब्लैक है, दो कलर्स हैं इसमें। बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 48 MP का होने वाला है, उसके बाद 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट पे कैमरा जो होगा वो 5 वोल्ट होगा, 16 MP का फ्रंट पे आपको कैमरा मिलने वाला है। अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, एंड्रॉइड OS नहीं मिलेगा आपको इस मोबाइल फोन में देखने को, और कलर OS 7.0 यानी कि कलर OS आपको लेटेस्ट UI मिल रहा है इस मोबाइल फोन में। 6GB 128GB UFS 2.1 स्टोरेज टाइप होगी और एक ही वेरियंट अभी तक कन्फर्म है। और अगर इस मोबाइल फोन की कोई स्पेसिफिकेशन चेंज होती हैं या फिर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो यार उस चीज़ के लिए माजरत, क्योंकि अभी बहुत सी वेबसाइट्स पर इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं आई और जिन पर आई हैं उन पर भी थोड़ी है कुछ कन्फर्मेशन कम है। तो अच्छा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लीक्स और रूमर्स के थ्रू बता रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं लेकिन तकरीबन इंशाल्लाह यही चीज़ें। तो मैं बात करूँ इसके चिपसेट की, तो स्नैपड्रैगन का 665 यानी कि 665 होगा, जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और एक अच्छा चिपसेट है। और 30,000 की प्राइस में काफ़ी मोबाइल फोन इसी चिपसेट के साथ आते हैं, तो ओप्पो ने भी कहा कि चलें हम भी यही चिपसेट डाल देते हैं। और उसके अलावा जो आपको GPU मिलेगा वो एड्रीनो 610 का मिलेगा और 5000 mAh की बैटरी है विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, और ओप्पो की बैटरी और चार्जिंग काफ़ी बेहतरीन होती है। ओप्पो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा आपको, वो फ्लैश 3.0 होगी या फिर 4.0, मेरा ख्याल है 4.0 चल रही है, तो देखते हैं अब जब आएगा। ठीक हो गया, मैंने आपको इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के बारे में बताया, बैक के बारे में बताया, बैक कैमराज के बारे में बताया, उसके अलावा रैम और रोम, एंड्रॉयड वर्जन, बैटरी, चिपसेट, यानी कि मेन स्पेसिफिकेशन कर दी सारी क्लियर। अब अगर प्राइस जानना चाहते हैं तो प्राइस मैंने आपको शुरू में रिवील कर दी थी कि तकरीबन इसकी प्राइस होगी 26, 27, 28, 29, 30। मैंने आपको 5 ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ लेकिन 30,000 से नीचे की प्राइस में आएगा। अब हो सकता है इसकी प्राइस 30,000 ही रख दी जाए, अब ये तो आने पर पता लगेगा। लॉन्च डेट की बात करूँ तो शुरू में ये भी आपको बात बताई कि जो ओप्पो के मोबाइल फोन हैं फिलहाल तो कोई भी नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आ जाएंगे लॉकडाउन के बाद ये सारे मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। आप कह सकते हैं कि ये अप्रैल चल रहा है, मई जून, तो ये शदीद गर्मियों के मंथ में आएगा। अगर आपको ये रमज़ान के मंथ में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये आपको ईद के बाद मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि मार्केट्स ओपन होते ही मोबाइल तो लॉन्च होंगे लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो बाय नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों यार लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।